नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार, आपका अपना YouTube चैनल रॉकेट भोजपुरी में स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं निरहुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिल चुके हैं। अब देर किस बात की, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव और निरहुआ को एक साथ फिल्म बनाना चाहिए और वो भी बहुत ही बड़ी फिल्म, अच्छा कॉन्सेप्ट पे, यानी फिल्म का कहानी अच्छी होनी चाहिए, दमदार होना चाहिए, जो कि रिलीज होते ही पूरी तरह से बवाल और धमाल बचा दे फिल्म। अगर निरहुआ पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ फिल्म बना देते हैं तो समझिए भोजपुरी इंडस्ट्री का नज़रिया भी बदल जाएगा और लोग सिनेमा घर तक भी पहुंचने लगेंगे और अच्छे अच्छे थिएटर भी बनने लगेंगे। ऐसे तो थिएटर बंद हो चुका है, लगभग 40-50 थिएटर बचा हुआ है। अगर ये लोग तीनों लोग मिलकर फिल्म बनाते हैं तो फिर से भोजपुरी दर्शक वापस से थिएटर में जाने लगेंगे और थिएटर भी बढ़ने लगेगा। और कहीं ना कहीं ये तीनों स्टार एक साथ फिल्म बनाते हैं तो बॉलीवुड को भी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि पवन खेसारी हमेशा बॉलीवुड वालों को टक्कर देते हैं गाने में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पवन खेसारी का हमेशा गाना ट्रेंडिंग में आता है, बॉलीवुड वाला भी पिछड़ जाता है सब। हाँ तो दोस्तों, आप सभी का क्या राय है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को एक साथ फिल्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव और निरहुआ जी का वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।